उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आवारा पशुओं व गौवंश को पकड़कर एक सप्ताह में गौ संरक्षण केंद्र में भेजने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे, लेकिन हापुड़ में मुख्यमंत्री के आदेशों की महज खाना पूर्ति की गई। आपको बता दें, आवारा छुट्टा जानवर अब तक तो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, अब इंसान की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं। हापुड़ के गांव उपेड़ा के एक किसान की जान आवारा पशु सांड ने टक्कर मार मार कर जान ले ली। उपेड़ा का रहने वाला किसान तोताराम सेनी सिंभावली सुगर मिल गन्ना क्रय केंद्र पर चौकीदार कर रहा था। आज तोताराम केंद्र पर था, तभी आवारा सांड तोताराम पर झपट पड़ा और उसे टक्कर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और सांड वहां से जान लेने के बाद भाग गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी उसके परिवार वालों व ग्रामीणों को मिली तो सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिलाएं व किसान यूनियन के कार्यकर्ता क्रय केंद्र पर पहुंच गए और शव रखकर क्रय केंद्र पर बैठ गए। घटना की जानकारी पुलिस व प्रशासन को मिली तो आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और तोताराम का अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों से कहने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया और आर्थिक सहायता की मांग करने लगे। आवारा छुट्टा जानवर को पकड़ने की मांग अधिकारियों से की। आवारा छुट्टा जानवर अब तक तो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, अब इंसान की जान लेने पर भी उतारू हो गए हैं और लोगों की जान को नुकसान पहुँचाने लगे हैं। पेश है हापुड़ के संवाददाता अदनान हवारी की खास रिपोर्ट। सर, आज जो आपके अंदर ये उपेड़ा गांव है, क्रय केंद्र, इस पे क्या घटना हुई है? लोग धरने पर ही बैठे हैं, एक डेथ बॉडी भी है यहाँ पे, क्या मामला है, किसने मारा है? सर, ये उपेड़ा गांव में आज सुबह एक दुर्घटना हुई। एक चौकीदार यहाँ है जिसकी उम्र लगभग 70 के आसपास है, 70 साल के आसपास। उसको यहाँ एक जंगली सांड ने मार दिया था, बाद में उसकी डेथ हो गई। उसी को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं कि चीनी मिल का कर्मचारी है, उन लोगों की तरफ से कोई मुआवजा दिया जाए। लोग बात कर रहे हैं, अभी समझा बुझा के सब।